तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो स्वागत है आपका हमारे कॉल न्यू वीडियो में तो दोस्तों मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट सेट किया था जिस पर मैंने लिखा था कि जो जो भी फ़ोटो आपको पसंद आए उस पर कॉमेंट करो और और मैं उस पर वीडियोस बना दूंगा उसमें मैंने ऑप्शन भी दिया था तो मैंने उस पर लिखा था कि कौन सी फ़ोटो पर वीडियो बनाऊँ कि कौन सी फ़ोटो आपको अच्छी लगती है तो मुझे आया कि सिक्स नंबर वाली फ़ोटो है जो कि ये वाले इस पर वीडियोस बनाओ तो दोस्तों तो और हाँ और मैं ग्राउंड एप्लीकेशन जो भी फ़ोटो एडिटिंग के लिए वो यूज करूँगा तो वो सारे आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे सारे और आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लो और वहाँ पे सारे पीएनजी और बैकग्राउंड सारे वहाँ पर एप्लीकेशन मिलेंगे और हाँ तो और दोस्तों आपके फ़ोन से कोई एप्लीकेशन ना चले तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके और मैं उसका लेटेस्ट वर्जन आपको दे दूंगा एप्लीकेशन का टेलीग्राम पे और जो भी आपके फ़ोन से एप्लीकेशन ना चले जो भी बैकग्राउंड वगैरह आपसे ना हो जाए तो मुझे ब, बता दीजिएगा कमेंट में और मैं आपको उसका सॉल्यूशन निकल के दे दूंगा अगली वीडियो में तो दोस्तों तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर तो दोस्तों मैंने पिक्सट एप्लीकेशन के अंदर ये पीछे वाला बैकग्राउंड जो है कि फ़ोटो कटिंग करके लगा दिया है और इस फ़ोटो को हम लेके चलेंगे चलेंगे स्नैप एप्लीकेशन के अंदर तो तो इसने पब्लिकेशन के अंदर लेके चलेंगे इस फ़ोटो को तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे टूल्स वाला बटन आपको देखने को मिलेगा तो टूल्स पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना नीचे आने का वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा जैसे आप स्किप करते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला तो यहाँ पे इसके हाईलाइट को करेंगे सॉरी इसको इतना बढ़ा देंगे और यहाँ पर नीचे हाईलाइट को भी थोड़ा सा कम कर देंगे माइनस कर देंगे माइनस फाइव परसेंट और यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तो यहाँ पे आपको टूल्स पे क्लिक कर देना है टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप तो यहाँ पे आपको डीटील्स डिटेल पे क्लिक कर देना है यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल को तो बढ़ा देना है तो दोस्तों इसको चौदह करने के बाद यहाँ पे इसको भी घटा देंगे थोड़ा सा इसको भी बढ़ा देंगे नाइन एलेवन इलेवन कर देंगे और यहाँ पे आपको राइट पर क्लिक कर देना है राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जूम करके देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका है तो यहाँ पे आपको शेयर कर देना है सॉरी यहाँ पे आपको शेयर कर देना है लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर जो कि तो जो लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर आपको शेयर कर देना है इस फ़ोटो को तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपके सामने सब कुछ है और ज़रा सा भी इसकी मत कीजिएगा आप स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे मुझे लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं तो दोस्तों लाइट रूम एप्लीकेशन को करते हैं ओपन तो दोस्तों हमारा लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और यहां पे आपको ये वाला फोटो इसको जो कि अभी हमने सेट किया था इस फोटो को ले लेना है लेने के बाद आपको मैं आपको एक फ़ोटो दिखा देता हूँ तो दोस्तों मैं आपको एक फ़ोटो दिखा हूँ जो कि ये वाला फ़ोटो है और इस इस फोटो का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट पट से जाओ ज्वाइन कर लो वहाँ पे सारी पी एन जी वहाँ पर मिलती है तो फटाफट पट से उसको हम कर लेंगे कॉपी तो यहाँ पे आपको थ्री लोड पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉपी सेटिंग पे क्लिक कर देना है क्लिक कॉपी सेटिंग पे क्लिक कर देने के बाद आपको कॉपी कर देना और यहाँ पर चलेंगे हमारे फोटो के और और यहाँ पे रोडिंग लेकर और आपको यहाँ पे थ्री लेन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे पेस्ट सेटिंग कर देना है पेस्ट सेटिंग करने के बाद हमारा फ़ोटो इस तरीके से हो चुका है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइट वगैरह घटाना हो घटा लीजिएगा और यहाँ पे लाइट लाइट पे क्लिक करते हैं लाइट पे क्लिक कर इसको एकदम बढ़ा देंगे कैक थोड़ा सा बढ़ा देंगे और आगे पीछे कर देंगे जो कि फ़ोटो अच्छा बन जाए और यहाँ पे कलर पे क्लिक कर देंगे और मिक्स पे क्लिक कर देंगे मिक्स मिक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेड के साइड में दिख रहा है उसको हम एकदम फुल कर देंगे क्योंकि हमारा जो कि चेहरा है वो भी एकदम स्मूथ हो जाएगा मेरा मतलब कि एकदम गोरा हो जाएगा और यहाँ पे इसको भी माइनस थोड़ा सा माइनस और यहाँ पे इसको थोड़ा सा घटा देते हैं यहाँ पे इतना सा करने के बाद यहाँ पे हमारा फ़ोटो इतना बन चुका है बनने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है इस फ़ोटो को कर देना शेयर इस फोटो को कर देना है एकदम पहले एक, एक गलेरी में सेव कर देना है बाद में शेयर कर देना है क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आ जाए तो वो फोटो गलेरी का निकाल लेना है तो दोस्तों इस फोटो को करते हैं हम स्नैप एप्लीकेशन के अंदर ओपन तो यहाँ पे शेयर करते हैं तो हमारे स्नैप एप्लीकेशन स्नैप एप्लीकेशन के अंदर फोटो सेव हो चुका है और यहाँ पे आपको टूल्स पे क्लिक करना है टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा चुनीदा चुनीदा यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको जहाँ पे भी हमारा जहाँ पे भी काला काला वगैरह दिख रहा है उसको हम फोटो को स्मूथ करेंगे इसको गोरा करेंगे सॉरी और उससे इसको कम कर देना है करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से इस पे प्लस पे क्लिक कर देना है करने के बाद यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ब्लैक दिख रहा है वहाँ पे आपको रख के और यहाँ पे इसको छोटा करके और वहाँ पे एकदम गोगा गोगा गोरा कर सकते हो फिर से यहाँ इस क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो ब्लैक है और उसको एकदम गोरा करेंगे इतना करने के बाद दोस्तों हमारा फोटो देख सकते हो इतना बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पे फिर से टूल्स पे, करेंगे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चुनिदा पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हेयर पे भी सॉरी यहाँ पे भी आपको एकदम फ़ोटो को कर देना है यहाँ पे भी फोटो को गोरा कर देते हैं तो दोस्तों फिर से टूल्स पे क्लिक और फिर से चुनिंदा पे क्लिक क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फोटो फोटो को एकदम गोरा कर देना एकदम एक स्मूथ एकदम सुपर दिखे और यहाँ पे आप देख सकते हो तो बाप यहाँ पे किस तरीके से फ़ोटो बन के तैयार हो चुका है और इतना होने के बाद यहाँ पे इस फोटो को करेंगे शेयर तो दोस्तों यहाँ पे आपको तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला एप्लीकेशन है जो कि पेंसिल वाला इस पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर हमारा जो फोटो है वो ओपन हो जाएगा तो। और यहाँ पे हमारा फोटो ओपन हो चुका है इसके अंदर और यहाँ पे आपको देख सकते हो ऊपर के साइड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वाला ब्रश है जो कि इसको आपको ले लेना है ये वाला ब्रश और इसकी सेटिंग भी आपको बता देता हूँ सॉरी इसकी सेटिंग भी आपको बता देता हूँ इसकी सेटिंग देख सकते हो आप स्क्रीन पे आप फाइव फाइव और जो कि सिक्स जो फाइव फाइव रख देना है आपको और इसको भी आप जितना चाहे उतना रख सकते हो अपने फ़ोटो के हिसाब से और इसको थोड़ा और यहाँ पे आपको करते हैं फ़ोटो को स्मूथ और तो दोस्तों हमारा फोटो एकदम स्मूथ हो चुका है देख सकते हो और अभी अभी तक फ़ोटो एडिटिंग पूरा नहीं हुआ है वीडियो तक बने रहिएगा तो दोस्तों इतना करने के बाद और यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना थ्री लोड पे और यहाँ पे आपको देख सकते हो फ़ोटो को कर देना है सेव सेव करने के बाद सेव हमारा फोटो सेव हो रहा है और इसको शेयर करेंगे इसनेप एप्लीकेशन के अंदर तो तो दोस्तों इस नेप एप्लिकेशन के अंदर हम फिर से आ चुके हैं और यहाँ पे आपको टूल्स पे क्लिक कर देना है टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चुनिदा भी क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ब्लैक दिखे थोड़ा सा और यहाँ पे अभी तो फोटो एकदम गजब का एडिटिंग होगा और यहाँ पे भी कर लेते हैं हम अब फोटो बन के बहुत ही अच्छा तैयार हो जाएगा और अभी तक भी रुको आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा स्किप करोगे तो आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा और यहाँ पे आप देख हो इतना हो चुका है फिर से टूल्स पे करेंगे फिर से चुनिदा क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी कर देते हैं करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख कि कितना फ़ोटो एकदम अच्छा बन के तैयार हो चुका है और यहाँ पे आपको शेयर कर, तो कर देना है तो दोस्तों आपको फ़ोटो को शेयर कर देना है फ़ोटो रोम में जो कि आपके पास ये एप्लीकेशन नहीं है तो जाओ टेलीग्राम पे इसका लिंक दिया गया है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को और ज्वाइन भी कर लो और इसी एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर दो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस पे और यहाँ पर हमारा जो फ़ोटो शेयर किया था वो कटिंग हो रहा है तो जितना आपका नेट जितना आपका नेट स्लो चलेगा तो यहाँ पे हमारा फोटो बनके तैयार हो चुका है और यहाँ पे कटिंग भी हो चुका है और यहाँ पे आपको नीचे आना है तो दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार के फोटो हमारे बन के तैयार हो रहे हैं और यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको देख सकते हो सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा बलर और यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक कर यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा क्योंकि हमारा नेट इतना नहीं चल रहा और यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है, नीचे बैकग्राउंड लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे बलर देखने को मिलेंगे और यहाँ पे ये भी है और मैं कोई भी यूज नहीं कर रहा इसलिए और यहाँ पे आपको इसको बढ़ा देना है इसको इसको भी बढ़ा देना और यहाँ पे हमारा फोटो एकदम बन के तैयार अभी अभी तक रुको, अभी तक रुको नहीं बना यहाँ बन, तो बन चुका है तो दोस्तों हमारा यहाँ बन चुका है तो डाउनलोड करते हैं इस फोटो को डाउनलोड और डाउनलोड हो चुका है तो दोस्तों और यहाँ पे आप देख तो दोस्तों हमारा यहाँ पे देख सकते हो इतना फोटो बनके तैयार हो चुका है और यहाँ पे आपको देख सकते हो बलर बहुत है और यहाँ पे आप बलर नहीं रखना चाहते तो तो मैं आपको बता देता तो हूँ यहाँ पे आपको शेयर पे क्लिक कर देना है शेर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तो दोस्तों बलर को हटाने के लिए आपको टूल्स पे क्लिक आपको इसने एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है पर एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद आपको टूल्स पे क्लिक कर देना है टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हो डबल वाला यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है और दूसरा फोटो सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इस पर भी क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो कि जो हमारा ये वाला फ़ोटो था जो स्नैप से हमने एडिटिंग किया था उस वाले फ़ोटो को आपको ले लेना है सॉरी लेने के बाद यहाँ पर इसकी एकदम कर देना है एक फुल फुल करने के बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर के साइड देखने को मिलेगा और डबल वाला और यहाँ पर आपको पसंद देखे यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे फोटो वाला जो था इस पर आपको क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्रश पे क्लिक कर देना है ब्रश पे क्लिक करने के बाद कर यहाँ पे, तो पे आपको बलर कर देना है और यहाँ पे सॉरी तो दोस्तों यहाँ पे आपको बलर कर देना है और यहाँ पे इस छोटा थोड़ा सा थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देना और यहाँ पे आपका बलर जो कि यहाँ पे नीचे इस वाला था और यहाँ पे आपको यहाँ से हटने लगेगा और यहाँ पे जूम करते हैं उसको और जूम करते हैं और उस हटा देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा जो कि है उसको हम करेंगे और यहाँ पे हमारा इतना फोटो हो चुका है तो दोस्तों यहाँ पे इतना बन चुका है और यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक कर देना है राइट पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो इस पर क्लिक करने के बाद आप टूल्स पे क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद जो हम दूसरा एक फ़ोटो लेना है और दोहरा ही इस पर आपको क्लिक कर देना डबल पे इस पर क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो पे क्लिक कर देना और आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है ये वाला फ़ोटो है जो कि इसको आपको डाउनलोड डाउनलोड कर लेना और जो कि ये फ़ोटो आपको इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो सब कुछ टेलीग्राम पे मिलेगा आपको क्या करना है सिर्फ टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना है तो यहाँ पे फ़ोटो को करेंगे इतना छोटा और यहाँ पे इस पर बीच सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे और लाइट वाले पे इस पर क्लिक कर देनेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो और यहाँ पर इतना करने के बाद और यहाँ पर इतना हो चुका है हमारा फ़ोटो और थोड़ा इसको छोटा करेंगे छोट आपको सही से इस फोटो को जमा देना है क्योंकि मस्त दिखेगा देखने में एकदम अच्छा लगेगा और एकदम मस्त लगेगा तो इसको हम सही से लगा देते हैं तो दोस्तों हमारा इतना हो चुका है और यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हो प्लस पे आपको राइट पे क्लिक कर देना है राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर के साइड एक निशान देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से पसंद देखे इस पर क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से उस उस वाले बटन पे क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद आपको ब्रश पे क्लिक कर देना क्लिक ब्रश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इस पर आपको क्लिक कर देना क्लिक यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इसको एकदम जीरो कर देना जीरो करने के बाद जो कोई आपके फेस के ऊपर है उसको हटा देना है यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही आसानी से हट रहा है और यहाँ पे हट चुका है और यहाँ पे कितना आपको राइट पे क्लिक कर देना है राइट पे क्लिक करने के बाद हमारा फोटो कितना एकदम अच्छा बन के तैयार हो चु यहाँ पे देख सकते हो फोटो और यहाँ पे इसको करेंगे सेव सेव करेंगे इस फोटो को तो दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि बैकग्राउंड बदलने के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पोलोर एप्लीकेशन है जो कि इस इस एप्लीकेशन का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा वहाँ पे नहीं तो प्ले स्टोर पर भी, भी ये मौजूद है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर के साइड फ़ोटो देखने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है जो अभी हमने फोटो बनाया था उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है तो जो वाला हमारा ये वाला फोटो है इसको हम करेंगे सिलेक्ट तो दोस्तों सेलेक्ट कर, कर तो दोस्तों हमारा फोटो ये हो चुका है स्लेट और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे देखने को मिलेंगे और यहाँ पे ये वाला भी है आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हो मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ यहाँ पे बहुत सारे बहुत सारे एकदम अच्छे अच्छे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे बहुत गजब के देखने को मिल रहे और यहाँ पे ये ये वाला भी है और बहुत सारे हैं और नीचे आ सकते हो और नीचे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे देखने को मिल रहे हैं ये वाला कितना गजब है उसको भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो इसको हम करेंगे डाउनलोड और आगे भी आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पे आगे आ जाना आगे आ जाना मैं आपको एक कलर दिखाता हूँ वो भी आप मुझे लगता है आपको पसंद आ जाएगा ये वाला जो इसको मैं ले लेता हूँ तो दोस्तों तो ये वाला कलर जो कि आपको मिलेगा मैंने जो बताया था उसमें मुझे नहीं मिला मैं देख देख के फिर भी आप ट्राई करना आपके फ़ोन में आ जाएगा और सर्च भी आप कर सकते हो ये वाला जो कि बैकग्राउंड है जो कि वो आपको मिलेगा पोलो एप्लीकेशन के अंदर जो कि आप आगे की और चले जाएंगे तो आपको बहुत सारे देखने को मिलेगा बैकग्राउंड तो मैंने ये वाला भी वीडियो के अंदर नहीं बताया लेकिन ये वाला बता दिया है और वहाँ पे आप देख सकते हो आसानी से और तो दोस्तों दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो दोस्तों बस इतना है तो वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो